So when your exam is due on your several key projects, जो आपके सामने लिख दी, कोई बोले एक पढ़े क्या लिखा है? I cannot overemphasize. आप नर्सरीज में जाते हैं, जूते चेंज करो, होम क्लास में लगा, कोई उसका फायदा नहीं है. Wash your hands यहाँ से याद है. If you're working in a neonatal unit and if you create neonatologists, you will not see them wearing rings or watches. You'll never see me wearing rings or watches. ठीक है, because they interfere with your hand washing. They increase the chance of hand associated infections. तो अभी जो सारी चीजें हैं, नाम ग्राफ से ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. As soon as people enter my nursery, they're expected to wash their hands till the elbows, which is why we encourage people not to wear long sleeves. Sleeves short to the chin. So wash your hands. Hand washing techniques आपको उधर ही सिखाएंगे, वो जगह जगह लिखी है. That's not only for neonatology, infection control, teachable to you as well. Because it's important ये, you have to clean your interdigital areas. You have to complete your wrists, your nails. ठीक है? So you take a few seconds, 30 seconds or so washing your hands. उसके बाद second मैंने आपको क्या लिखा? Temperature control. So newborn को जो आपने examine करना है, ठंड में नहीं करना. Why? Newborns get cold very easily. Why? मैकेनिज्म नहीं अच्छे, सब्सटेनियस फैट नहीं अच्छी, सर्विस एरिया ज़्यादा है, कंडक्शन कंडक्शन रेडिएशन ज़्यादा है, तो उसको अलग हो गया, आपको प्रीवियस होती मिल जाता. देन यू हैव टू हैव एप्रोप्रिएट एक्सपोजर. यू मे नॉट नीड टू एक्सपोज द न्यू बॉर्न फुली, लेकिन जो एरिया उसको आपने देखना, उसको एक्सपोज करना है. एंड देन यू मूव ऑन टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो हैंड वॉशिंग, टेम्परेचर कंट्रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एप्रोप्रिएट एक्सपोजर, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होती है? आपके पास एक बेबी आ गया जिसको आपने एग्जामिन करना है उसके लिए, ठीक है? रीसेसिटेशन वाली आपको बात बताएंगे रीसेसिटेशन के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट, इफ आई गेट अ बेबी, आई हैव एक्सपोज एडिक्वेटली, आई जस्ट सिट बैक एंड लुक एट द बेबी. उसका जनरल स्टेटस क्या है? And remember, as soon as you touch this baby, you start crying. So you lose many important signs. So उसको हाथ लगाने की जल्दी please नहीं आपने करें. For a few seconds, just sit back and look at, do a general inspection. Color क्या है उसका, tone कैसी है, normal newborns का term, बच्चों का flex posture होता है, अगर बीमार है, limp है, या preterm है, तो उनका open posture. ठीक है, look at the color, jaundice तो नहीं, cyanosis तो नहीं, cyanosis है, perioral तो नहीं. Perioral cyanosis की क्या significance है? पेरियोरल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कोई ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है. एज अपोज टू एट्रल साइनोसिस, हाथों मुँह है, इसका मतलब है टेम्परेचर ले भी लो. एट्रल साइनोसिस सिग्निफिकेंस कम है, दैट्स नॉट सेंट्रल साइनोसिस, दैट्स पेरियोरल साइनोसिस. सेंट्रल साइनोसिस लिप्स ब्लू नजर आ रही है, ये लिप्स का अगर पता नहीं चले तो टंग को देखें, बिकॉज कम्प्लेक्शन वेरी करेगा बच्चों का. लाइक इन डार्क बेबीज, यू मे नॉट बी एबल टू पिक अप ब्लू लिप्स, बट यू कैन पिक अप अ ब्लू टंग. सो सेंट्रल साइनोसिस ऑब्वियसली हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस. जनरल एक्टिविटी क्या है बच्चे की? अस्लीप है, फिट्स पड़ रहे हैं, आर्चिंग है, पॉस्टरिंग है, एक बाजू सीधा है, ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्शन में उसको हाथ लगाने से पहले देख लेंगे. फिर उसका रेस्पिरेटरी रेट देखो. यू कैन काउंट द रेस्पिरेटरी रेट इफ यू हैव टाइम एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने हाथ लगाया तो उसका रेट, उसने रोना शुरू किया तो उसका जो है वो रेट ठीक नहीं रहेगा. सो एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ये देखो कोई साइंस ऑफ डिस्ट्रेस तो नहीं है. नेजल फेयरिंग, रिट्रैक्शन, सुप्रा स्टर्नल, सुप्रा कैविकुलर, इंटरकॉस्टल, सबकॉस्टल, साइंस ऑफ डिस्ट्रेस आर इम्पॉर्टेंट. आई वुड से इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द रेस्पिरेटरी रेट. डिस्ट्रेस के क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब कोई ना कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, कोई नमोनिया तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. उसके बाद प्योरिंग और इंस्पेक्शन, आप उसके स्किन को देख सकते हो, आप उसकी जेस्टेशनल एज को एस्टिमेट कर सकते हो. आई लीव दिस फॉर द टाइम, क्योंकि जेस्टेशनल एज को एस्टिमेशन के फिजिकल साइंस है, वो मैं आपको प्रीमेच्योरिटी के साथ करा दूंगी. एंड सो जनरल पॉस्चर, स्टेट ऑफ अलर्टनेस, ड्राउजी है, फुली अवेक है, यू नो लुकिंग एट यू. नॉर्मल न्यू बॉर्न को जब आप एग्जामिन करते हो, सो द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट फॉर अ न्यू बॉर्न इज द ह्यूमन फेस. इफ़ यू हैव अ बेबी लुकिंग एट योर फेस, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, जब आप अपना सर मूव करते हो, ही विल रोल हिज आईज विद यू. बहुत सी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करती है. नंबर वन, इज न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल, उसकी विजन ठीक है, ठीक है, ही इज फॉलोइंग यू. सो यू नो उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, इफ आई सी बेबी लुकिंग एट मी एंड फॉलोइंग माई फेस, आई एम वेरी हैप्पी. उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, देर आर 90% चांसेज दैट इट इज इंटैक्ट. अ बेबी हुज कंटिन्यूसली लिप्स स्मैकिंग, स्टेयरिंग,
ठीक है, ये साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ द लिम्स हो रही है. दोस आर सीजर्स, रिमेंबर दोस आर सीजर्स इन ए न्यूबॉर्न, एंड दिस आर ऑल नॉर्मल मूवमेंट्स एज वेल, लाइक लिप स्मैकिंग सकिंग इज नॉर्मल इन ए न्यूबॉर्न, बट इट रेपिटेटिवली हो रहा है और देखी जा रहा है आपकी शक्ल उसकी तरफ लेके आ, शक्ल नहीं देख रहे हो, ऊपर छत को देख रहे हैं, आप साइड पे करो, आप फॉलो नहीं कर रहे, दूसरी साइड पर जा रहे हो, फॉलो नहीं कर रहा, दैट स्टेयरिंग गेज. रिमेंबर दे आर वेरी सटल साइंस, सो दैट्स अ स्टेयरिंग गेज, दैट मींस दिस न्यूबॉर्न इज स्पिटिंग. सटल सीजर्स उनको कहते हैं, सिर्फ न्यूनेटल एज ग्रुप करते हैं. ओके, देन वंस यू हैव डन इट, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा कैसा होता है, यू कैन डू इट एट द एंड, आई नॉर्मली डू इट एट द एंड, उसमें अब टेप मेरे पास नहीं है. ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये आपको पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी आएगा, इसकी कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है. यू हैव टू टेक थ्री रीडिंग्स एंड फाइंड व्हिच इज द मैक्सिमम ऑफ द थ्री रीडिंग्स, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे अपनी वो रख लो ऑन द स्कल, यू हैव टू गेट अ मैक्सिमम रीडिंग. टेप को आपने उसको करना है. टाइम तुम लोगों का खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से बता देती हूँ. अच्छा, सो वंस यू इंस्पेक्टेड, नाउ द अप्रोच दैट यू नॉर्मली फॉलो व्हेन यू गो टू टच द बेबी, सारी चीजें पहले देखी, इज यूजुअली व्हाट आई फॉलो हैंड टू हेड टू टो, हर एज ग्रुप में आप फॉलो कर सकते हो, और यू कैन फॉलो हेड टू टो अप्रोच. ओके, हैंड्स में आप क्या क्या जल्दी जल्दी बताते जाओ, क्या रखोगे, अगर आपकी यहाँ पे है तो दैट्स प्री एक्सियल, अगर यहाँ पे तो पोस्ट एक्सियल. एनी वे, ये नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं. सिमियन क्रीजेस, पाम्स को देखो, दूसरी साइड पर वो इंस्पेक्शन, कम ऑन टू द हेड, देयर हेड में आपने सामने से फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या आएगा, एंटीरियर फॉन्टिनल, नॉर्मल एंटीरियर फॉन्टिनल शुड बी फेटेड. अगर एंटीरियर फॉन्टिनल नहीं है, चांसेस आर दिस चाइल्ड हैज प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ सूचर, समथिंग इज रॉन्ग, इसकी डेवलपमेंट डिले होगी, तो क्योंकि ब्रेन को ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा, क्रेनियल सिनेस्टेसिस है. सो फ्रंटल सूचर फील करो, कम हियर, कम टू द बैक, कम टू द साइड, फील द यहाँ पे पोस्टीरियर सूचर, द लैटरल सूचर. अगर हाइपोथायराइड बच्चा है तो बड़े बड़े सूचर्स खुले हुए. ओके, टर्न द बेबी, लुक एट द ईयर्स, ईयर पिन अप, आप फोल्ड करके रिलीज करते हो. जो नॉर्मल प्री टर्म बच्चे होते हैं उनकी रिकॉइल बहुत अच्छी होती है, आपने पिन अप फोल्ड किया एकदम वो वापस जाएगा. प्री टर्म में आपने पिन अप फोल्ड किया वो चिपक ही जाएगा वहाँ पे, कार्टिलेज इज नॉट वेरी वेल, सो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स फॉर जेस्टेशनल एज. देन यू कम टू The eyes, the nose, patent है कि नहीं है, माउथ को देखो, सिचुएशन है कि नहीं है, टंग बहुत बड़ी बहुत छोटी, चित बहुत बड़ी बहुत छोटी, देर आर नंबर ऑफ कंजेंटल एनोमलीज दैट यू विल फाइंड इन द न्यूबॉर्न, और किसी एज से नहीं मिलेंगे, ठीक है, एयर में प्री ऑर्बिटल टैग्स, आईज में कोलोबोमास, आईज पूरा नहीं डेवलप हुआ हुआ, आईज बहुत छोटी हैं, बहुत क्लोज टूगेदर है, बहुत फार अपार्ट है, विच वी कॉल इंटरकैंथल डिस्टेंस केयर. Epicanthic pores, Down syndrome में होते हैं, brush peak spots on the iris, Down syndrome में होते हैं, you can have defects in the iris, come to the nose, nose में आपके जो midline defects हैं, palate के defects, you know, may be reflected onto the nose, big clefts will have the cleft nose as well, okay? You come to the mouth, usually हाथ आपके धुले होने चाहिए, you insert your finger to feel for the patency of the palate. जब आप पेटेंसी और पैलेट के लिए फील करते हो, दिस चाइल्ड इज नॉर्मल, ही स्टार्ट सकिंग एट फिंगर्स, दैट्स नॉर्मल, ठीक है. देन यू गो ऑन टू लुक एट द नेक, नेक में कोई स्वेलिंग, नेक याद रखो न्यूबॉर्न की नॉन एग्जिस्टेंट होती है, होती ही नहीं है, यू दिस जस्ट अ हेड फोटो ऑफ द बॉडी, लेकिन अगर स्वेलिंग है तो नजर आ जाएगी. कंजेक्टिव थायराइड, आपकी हाइड्रोपिक सिस्ट्स जो है, ब्रैंकियल आर्चेस एबनॉर्मली डायलेटेड, क्रिएटेड, look for the clavicles, और इसको gently feel करें. Clavicular fractures are common. If there has been cephalopelvic disproportion, you will find disparity in the continuity. Press नहीं करना. Most of these fractures are undisplaced. If you press it, you're going to displace the fracture. Feel very gently. Then you go onto the chest. Look for the nipples. There are syndromes in widely spaced nipples. Sheep chest किसमें होती है? Widely spaced nipples. Good. Look at the distress if you haven't seen it already. Come to the abdomen. Palpate for the liver. Palpate for the spleen. आपको बस दो फिंगर से palpate करना है. Palpate for the kidneys. Same bimanual technique. Very important to palpate for the liver, for the bladder, particularly in male babies. क्योंकि posterior urethral valves में bladder distended. अगर अभी pick कर लिए very good. अगर बाद में pick किए तो renal failure. ठीक है. नैपी एरिया को करो ओपन. अगर
बेबी के नेपल में स्टूल्स हैं, लुक एट द स्टूल्स, स्टूल एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द न्यू बॉर्न पीरियड, लुक एट जेनिटेलिया, जेनिटेलिया को देखते हैं, मेल बेबी है तो ग्रॉइन से जेंटली मिल करके फील फॉर द टेस्टीज इन द स्क्रोटम, अनडिसेंडेड तो नहीं है, अगर अनडिसेंडेड है ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो इट अप दोनों साइड से जेंटली मिलते इंग्वाइनल कैनाल, क्योंकि हो सकता है टेस्टीज इंग्वाइनल कैनाल में बैठी हो, फील फॉर द टेस्टीज, लुक एट द स्क्रोटम बाइफिड तो नहीं है, लुक एट द पेनाइल ओपनिंग डिस्प्लेस तो नहीं है, किन कंडीशंस में होगी, इसको आपने क्या इंस्ट्रक्ट करना है पेरेंट्स को कि इसकी सर्कमसिजन फॉरन किसी क्वैक से इधर उधर से नहीं करानी, बिकॉज दे यूज द फोर्स के टू रिकंस्ट्रक्टिव यूरेट्रा, इफ इट्स अ फीमेल बेबी लुक फॉर टाइटोरोमेगली, वो वेरिफाइज फीमेल तो नहीं है, लुक इफ यू हैव टू सेपरेट वजाइनल एंड द यूरेट्रल ओपनिंग, मेनी अ टाइम्स यू हैव मेल बेबीज हु आर अंडर वेरिफाइज्ड और उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीटली लाइक गर्ल्स होंगे, but usually they will have only two openings, so a combined vaginal opening नहीं होगी ना, तो urethral opening होगी और anal opening होगी, but if you find separate urethral and vaginal opening, chances are you're dealing with a girl, ठीक है? Likewise they say अगर आपको gonads palpate हो जाए, testes palpate हो जाए, scrotum में, inguinal canal में, बाकी के genitalia जैसे भी हो, chances are this is a male baby. अगर external genitalia female है, but you can feel testes in the inguinal canal, you're dealing with an under-virilized male, who is like the ball game. Okay. Then you look at the legs, again, wohi cheeze hai, symmetry, polydactyly, extra digit. You turn the baby around, you feel for the back. Back ko aapne feel karna hai, kaida haath ke saath ke spine mein koi defects to nahi hai. Look at this area. Isko feel kiya. This area is important. Yahan dekho koi dimples ya cleft to nahi, koi tuft of hair to nahi. If there's a tuft of hair, you need to get a sacral ultrasound scan done. Why? Spina bifida occulta, spinal dysraphism. Agar yahan pe aapko ek surah mil raha hai, it's very important to see whether you can thoda sa isko retract karke, whether you can see the bottom of that pit. Dermal pits yahan pe ho sakti hai. If you can't see the bottom, again you need to get an MRI scan because you might be dealing with a sinus. जिससे बच्चे को अगर आपने मिस किया है तो रिकरेंट मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है? सो अगर आपको यहाँ पे पिट मिलती है तो डेमोंस्ट्रेट इट्स इट्स बेस, अगर बेस की मिल रही गेट एन एमआरआई और क्रेनियल अल्ट्रासाउंड स्कैन जस्ट टू मेक श्योर यू नॉट मिसिंग अ साइनस, फिर जेंटली रिट्रैक्ट टू सी व्हेदर देयर इज एनल वैकेंसी. बहुत सी दफा आप बच्चों को 6-7 आवर्स पे एग्जामिन करते हो, यू मिस दिस पॉइंट, दे प्रेजेंट लेटर विद इंटरस्टाइटल ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज समबडी हैज मिस्ड द फैक्ट दैट उसकी ऑस्कल्टेशन करनी है, पहले भी आप कर सकते हो, लुक फॉर द ब्रेथ साउंड्स, हार्ट साउंड्स में अगर कोई मर्मर मिल रहा है दैट सिग्निफिकेंट, कुछ चीजें आप एंड के लिए रखते हो, ठीक है? एंड में आपने क्या देखना है, न्यूरोनेटल रिफ्लेक्सेस, लंबी चौड़ी लिस्ट है न्यूरोनेटल रिफ्लेक्सेस की, एक दो बस डेमोंस्ट्रेट करनी है आपने, and hips की stability. So what I normally do is the most important neonatal reflex is the monitor reflex. Gently, baby को आपने थोड़ा सा extend करना है, lean करना है, which is no cause trauma to the baby. And the normal reflex is abduction, opening of the arms, and then flexing and adduction. ठीक है? इसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती हैं. कोई clavicular fracture है, कोई humerus का fracture है, इसकी asymmetrical mono होगी, एक side move ही नहीं करेगा. Asymmetrical moro is always significant. Absent moros kab hogi? Stage 3 asphyxia mein limp bachcha pada hua hai. Theek hai? Muscle powerful nahi hai. Ya congenital myopathies hai. To usme you won't be able to demonstrate any effects. It's torn nahi hai. Aur exaggerated moros, zara hi aapne mujhe bachche ne ekdam is tarah kiya, wo kis mein hogi? Come on, come on, come on. हाइपर अलर्ट बेबीज किसमें होते हैं? तो स्टेज वन बर्थ एस्फिक्सिया, ये एस्फिक्सिया में मैं बताता हूँ. ओके, देन सकिंग, मैंने आपको कहा था जब आप पेटेंसी चेक करोगे चांसेस आर दिस बेबी इज नॉर्मल, ही सक एंड दैट्स नॉर्मल सकिंग रिफ्लेक्स. व्हेन यू लुकिंग एट द हैंड्स, अब ये तो डमी है ना, बेबी के हैंड्स में इस तरह अपनी लिटिल फिंगर रखो, नॉर्मली क्या होता है, ग्रास्प, दैट्स अ पामल ग्रास्प,
एंड लाइक वाइज दीज आर द रिफ्लेक्स आई वांट टू चेक. सारी जरूरत नहीं है करने की, कुछ भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर दो तो यू नो देन प्रेस दिस, यहाँ पे प्रेस करो ये अपने डिजिट्स और टोस को क्यों अंदर की तरफ लेके जाए. दैट्स अ नॉर्मल प्लांटर ग्रास. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट सकिंग मोरोस मामल ग्रास प्लांटर ग्रास. दैट्स इट. इफ फाइंड इट नॉर्मल देन दीज आर नॉर्मल यूनिट. अच्छा जी, आई विल नॉट इनवाइट क्वेश्चंस बिकॉज़ आई थिंक वी हैव ओवरस्टेप्ड आवर टाइम. प्रॉब्लम क्वेश्चन टू द नेक्स्ट.